सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। सो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। सो दोस्तों, आपके लिए फिर हम लेके आए हैं एक नई प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन और आपकी ड्रीम होम का जो सपना है, जो आपका एक घर लेने का सपना है, उसको पूरा करने के लिए एक और वीडियो लेके आए हैं, जिससे कि आपका घर बैठे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कहाँ कहाँ पर अपना घर प्लान कर सकते हो दिल्ली NCR के एरिया में, और आपके बजट के अंदर जो चीज़ें आती हैं। सो दोस्तों, आज हमारे पास है थोड़ा टाइम, तो आज हम खुल के बात करते हैं। तो दोस्तों, आपका सहयोग बहुत मिला हमें और हमने काफ़ी फैमिलीज़ को दिल्ली NCR के अंदर घर दिलवाए। तो ऐसे ही अपना प्यार बना के रखो, और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो जो कि आपको प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आगे और मिलती रहे। और हर बंदे का एक सपना होता है घर लेने का, तो दिल्ली NCR के आसपास आपको अपना घर जो है वो मिल जाएगा, और उसको दिलवाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो दोस्तों, जैसे मैंने नए प्रोजेक्ट्स की वीडियो बनाई है, नए घरों की, नए फ्लैट्स की बनाई है, कई क्वेश्चंस मेरे पास आए कि हम अगर डेवलप्ड कॉलोनी में लेना चाहते हैं, गाज़ियाबाद या दिल्ली में डेवलप्ड कॉलोनी के अंदर हम घर लेना चाहते हैं, तो किस बजट में मिलेगा और क्या फ़ायदा है लेने का, रेट अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वैसे ही उसी तरीके से आज मैं आपको लेके आया हूँ वसुंधरा में, गाज़ियाबाद का एरिया है वसुंधरा। तो यहाँ पे कुछ प्लॉट्स, कुछ इन्वेंट्री है कुछ सेक्टर्स में, जहाँ पे अभी भी आपको एक रीज़नेबल अफोर्डेबल रेट में आपको चीज़ें मिल जाती है। बट दोस्तों, देखो कंपेरिज़न क्या है, अगर आप कोई नई सोसाइटी, नई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ आपको 30,000 के आसपास का प्लॉट का रेट मिलता है, और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो डेवलप्ड कॉलोनी में, तो आपको 60-70,000 के आसपास का रेट मिलता है। मतलब आपका 100 गज का प्लॉट हो गया 70 लाख का। तो अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट में डेवलप इन्वेस्ट किया, जहाँ पे आपको 30-35,000 गज का रेट है, आपका प्लॉट मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख में, आपका 100 गज का प्लॉट आ जाएगा। तो दोस्तों, हुआ क्या, आपके 4-5 साल बाद उसका रेट डबल हो जाएगा, अप्रिशिएट कर जाएगा न्यू प्रोजेक्ट में। और अगर आप डेवलप्ड कॉलोनी में लोगे, तो दोस्तों उसका एक ऑलरेडी एक पीक पे पहुंच चुका है रेट, तो उसमें ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होगा। तो ये दोस्तों फ़र्क होते हैं। बाकी देखो, न्यू प्रोजेक्ट भी आप लो, ध्यान से लो देख के, वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ हों, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती लेने की। तो ऐसे बहुत ऑप्शंस हैं, मैंने आपको कई दिखाए हैं, वेव सिटी दिखाया है आपको, गौर यमुना सिटी दिखाया है, नोएडा में बहुत प्रोजेक्ट है, गुड़गांव में बहुत प्रोजेक्ट है। दोस्तों, जैसा भी आपका मन बने, आप ज़रूर हमें संपर्क करो। तब तक आज हम देखते हैं वसुंधरा, गाज़ियाबाद का ये एरिया है वसुंधरा, जो कि इंदापुरम के पास में है और मोहन नगर के भी पास में है, दिल्ली से बिल्कुल टच में है। तो दोस्तों, आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज आपको दिखाते हैं वसुंधरा। इसमें 16 सेक्टर हैं दोस्तों, जो कि एक मेन रोड से है, मेन रोड से डिवाइड किए हुए हैं, ऑड सेक्टर एक तरफ हैं, इवन सेक्टर एक तरफ हैं। जो अगर आप सेक्टर एक की बात करो, तो वहाँ पे कम से कम रेट है, और अगर आप सेक्टर 16 की बात करो, तो वहाँ पे ज़्यादा तेज़ रेट मिलेगा आपको। जो छोटे प्लॉट की कटिंग है, वो सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 में है। जो बड़े प्लॉट्स हैं, सेक्टर 16, सेक्टर 14, सेक्टर 13, 12, ऐसे इसमें बड़े प्लॉट्स हैं, इनमें थोड़ा तेज़ रेट है। तो फिर भी हम आपको सारा एरिया दिखाते हैं, आज आपको विज़िट कराते हैं यहाँ पे, जो फुली डेवलप्ड है, और जो मेन रोड है वसुंधरा की, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, हर तरीके की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हर चीज़ है। तो आओ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ मेन रोड पे, जो कि साहिबाबाद साइड 4 से आती है, और दिल्ली में पैसिफिक मॉल जो है, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, वहाँ से इस रोड पर हम हैं। तो आप देख सकते हो, ये कंट्री इन वाली रोड है, इधर वसुंधरा के लिए एरो दिया हुआ है। तो आओ चलते हैं वसुंधरा में, एंट्री करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा रास्ता भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको इजी हो जाएगा पहुँचने के लिए।
दोस्तों ये आ गई है सब्जी मंडी वाली रेड लाइट। तो यहाँ से हम ले लेंगे राइट और हम एंट्री कर लेंगे वसुंधरा में। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वसुंधरा की मेन रोड पर। तो अभी आप देख सकते हो दोनों साइड पे ये सेक्टर्स हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये कमर्शियल बेल्ट है बट बीच बीच में लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं। ये जयपुरिया स्कूल, तो दोस्तों आप देख सकते हो सारी मार्केट है, सारे रेस्टोरेंट है, सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स हैं, हर चीज़ आपको मिल जाती है, मॉल्स हैं यहाँ पे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हर चीज़ अवेलेबल है इस मेन रोड पर। तो दोस्तों ये सीधा रोड अब जा रही है सेक्टर 1 और 2 की तरफ। ये सीधा रोड अब सेक्टर्स के एंड तक जा रही है वसुंधरा के। तो आगे जाके बिल्कुल एंड के सेक्टर आ जाते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कम रेट है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो वसुंधरा की आउटर रोड जो कि बिल्कुल पैरेलल चलती है मेन साहिबाबाद वाली रोड से। तो यहाँ पे भी मिक्स प्रॉपर्टी है, कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है। और आप देख सकते हो कि सारे सेक्टर्स के यहाँ पे ऐसे गेट बने हुए हैं जिसमें कि अंदर एंट्री है। तो यहाँ भी फ्लोर्स मिल जाते हैं, फ्लैट का भी ऑप्शन है अपने पास, कुछ बनी हुई कोठी मिल जाती है दोस्तों और कुछ खाली प्लॉट मिलेंगे आपको। तो दोस्तों यहाँ पे सारे रजिस्ट्री वाले केस होते हैं, सब रजिस्ट्री है यहाँ पे, और नक्शा पास करके आप अपना घर बना सकते हो। सो दोस्तों जो बेस्ट एरिया है यहाँ पे रहने के लिए, जो मुझे लगा रेट के हिसाब से भी, तो सेक्टर 12 में आप अपना घर प्लान कर सकते हो जहाँ पे आपको एक मीडियम साइज़ का प्लॉट मिल जाएगा, मतलब 100-200 का मिल जाएगा और साथ ही साथ वो एक अफोर्डेबल रेंज में भी होगा। तो दोस्तों देख पा रहे हो कि ये रोड कितनी शानदार है और बढ़िया से ये कॉलोनी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स ये है सेक्टर 12 और ये है यहाँ की मेन पार्क।
तो दोस्तों स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने कुछ डुप्लेक्स बना के दिए थे, तो कुछ डुप्लेक्स अवेलेबल हैं और लोगों ने कुछ डुप्लेक्स को भी मॉडिफाई भी कर लिया है, तो फिर भी आपको कुछ डुप्लेक्स वैसे मिल जाएंगे, बट वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे, आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा और रेनोवेट करना पड़ेगा, उसको अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे छोटे प्लॉट्स की बेल्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने सारी लोकेलिटी देख ली है। तो दोस्तों किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करो, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे 60 मीटर से प्लॉट स्टार्ट है और फ्लैट भी मिल जाते हैं, फ्लोर भी मिल जाते हैं, तो जैसा भी आपका प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है ज़रूर बताइए हमें, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे, आपको इन्वेंट्री देंगे जो कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट से मैच करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखो।